हेलो हाय, सभी का स्वागत है। तो टीवी सीरियल वाली वीडियो पे तुम लोगों का प्यार देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैं वापस टीवी सीरियल देखने चला गया। और मुझे वहां जाके तो नोस्टैल्जिया ही हो गया, क्योंकि इस बार इन्होंने मुझे पहले से भी ज्यादा तरंगी हरकतें दिखा दी। कसम से इससे ज्यादा मजे मुझे जिंदगी में ना SST जैसे आतंकी सब्जेक्ट में आए और ना ही यहां जाके। तो आओ यार, तुम्हें भी इसका एहसास कराया जाए और तुम्हारे भी दिमाग की दही बनाई जाए। कौन कहता है फिजिक्स की मौत का जिम्मेदार बस सलमान भाई है? अरे गोल्ड मेडल तो इनका है। ऊपर से गिरते हुए ने विवान भी बोल दिया, वो पलट भी गया, वो पहुंच भी गया और उसने पकड़ भी लिया। कोई ट्राई मत कर लेना, कुछ कहने समझने से पहले तुम्हारा सिर जमीन में लग के गुलदस्ते की तरह खिल चुका होगा। क्या है ये पकड़ ली? कम से कम 50 से 60 किलो की होगी ये, और इतना आराम से पकड़ ली। एक यही है जो गलत मौके पे कैच को टपका देते हैं। उनको प्लीज कहिए कि अपना चॉपर लैंड ना करवाएं, क्रैश हो सकता है। पहले तो इतनी नकली एडिटिंग के लिए तालियां, पर अब तो मोहित हो गया रेस्ट इन पीस। मैं नहीं, वो तो 2 मिनट का हम मौन रख लेते हैं। हैं, बचा कैसे? पर अबे हेलीकॉप्टर फटा था, इसका मुंह देख लो, एक घाव खरोच छोड़ो, धुआं मिट्टी कुछ भी नहीं लगा इसके। मिल गया इस दुनिया को अपना दूसरा शक्तिमान। कहीं से लग रहा है अभी ये हेलीकॉप्टर में था और वो फट गया? ऐसे लग रहा है अपनी वैनिटी में से चल के आ रही है। और एक टीवी सीरियल में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किसका होता है? इसका नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा चमत्कारी बलशाली शूरवीर थानोस को बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के खत्म कर देने वाली इनकी बहुओं में, क्योंकि इनके पास है बस तीन शक्तियां, सिंदूर, मंगलसूत्र और एक जलता हुआ दिया। जब तक ये इनके पास है, मजा ले यमराज इनके आसपास से भी निकल जाए। बुरी खबर है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। है कौन? अबे बावली और डॉक्टर है वो। हाँ भले से नकली है पर है डॉक्टर ही। कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? वो नहीं बचा पाया तो यही बोलेगा ना कि नहीं बचा पाया। क्या हो गया, ज्यादा गहरा सदमा लग गया क्या? उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। ये करेगी? कैसे करेगी? अबे पागल हो गई हो क्या? मतलब ये लोग तो 5 साल मटर छील के डिग्री लाते हैं ना। डॉक्टर ने भी जाने दिया और कंधे पे हाथ रख के सांत्वना भी दे रहा है। अबे एक ही सीन में कितनी गलती करोगे? देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। जिंदा हो गया? कैसे? ये ऑपरेशन करके आई है भाई। 0.00001% कुछ तो सेंस लगा लेते। कहा था ना मैंने आपसे, एक सुहागन की आस्था पर कभी शक मत करना। आ गई ना अपने वाली पे। पर उसने कब क्या शक तेरे पे? उसने कुछ कहा था तेरे को? इवन तेरे को अंदर तक जाने दिया है। उसके पास कभी किसी सुहागन से ये मत कहना कि आप उसके सुहाग को बचा नहीं पाए। तो क्या बोलेगा? आपके पति स्वर्ग में डांडिया खेलने गए हैं या फिर आपके पति यमराज के साथ टूर पे गए हैं? ये औरत है भी सिमर नहीं भाई, क्योंकि ये है रियल वर्ल्ड की ओगी। गिर जाए, जल जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, पर मरेगी नहीं। फिर चाहे इसकी हंटर से कुटाई हो रही हो या फिर पहाड़ से गिर जाए या फिर दूसरी बार पहाड़ से गिर जाए, और चाहे मर ही क्यों ना जाए, पर कहीं दूसरी दुनिया में जिंदा जरूर होगी। और वो इसका मक्खी वाला सीन, वो तो लगभग सबने ही देखा है। हमारी तपस्या भंग की है, मैं तुझे श्राप देता हूं। ये सिमर क्यों नहीं आया अभी तक? यार मेरा पहला सवाल, ऐसे बाबा होते भी या यहाँ पे भी ये टाइम ट्रेवल करके आई है? ये कुछ भी कर सकती है, और एक मक्खी दरवाजा कैसे खोल सकती है बे? शायद आज आप मुझे पहचानेंगे नहीं, पर ये मक्खी आपकी सिमर है। शायद क्या होता है, कैसे ही पहचानेगी वो तेरे को? ध्यान भी ना दे वो तेरे पे। और ये दादी कौन सी कम है, ये कुछ ना करके भी सब कर देती है। इस पे अलग शक्तियाँ हैं क्योंकि उसमें शहर मिला हुआ है। मैं बहू को बताना ही भूल गई कि आज के खाने में प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं। हाँ माता जी, इसमें तो लहसुन और प्याज आज हमने खाना नहीं। बचा लिया, और आज क्या नहीं खा सकते, कल भी नहीं खाना है बेटा, कल मर जाएगी। और सिमर सिर्फ एवेंजर नहीं है, सिमर क्यूपिड भी है, पर ये काम भी नॉर्मल ही नहीं होगा। ये निकला तीर, अबे पहुंचना टोटो इस तीर। लो एक हट के दूसरे उसकी जगह आ गई, पर ये नहीं पहुंचा। वाह काम कर गया। क्या कर रहे हो ऐसे तीरों का अपने पास रख के? अमेज़न पे बेच, 5-5 लाख का एक बिकेगा, बहुत कस्टमर मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड एवेंजर, गोपी भाऊ। देखो यहाँ पे गोली खाते हुए गोपी भाऊ।
बेचारा क्विक सिल्वर तक मर गया था गोलियां खा के तो, पर ये नहीं मरेगी। और यहाँ पे गोपी बहू ब्लास्ट होते हुए फिर से बच गई और मजा नहीं आया तो लो बिल्डिंग से फेंक देते हैं। नहीं मरी तो बिल्डिंग को इस पे फेंक देते हैं। अभी भी नहीं मरी तो उठा के नदी में फेंक दो इसको। तो इतनी तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने की प्लानिंग नहीं करी थी जितनी तुम लोगों ने कर दी। और बाय चांस ये मर भी गई तो इसके पति देव कैसे लिए? आफ्टर ऑल एक एवेंजर का पति है, वो जिंदा कर देगा। आई थिंक वी लॉस्ट सर। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। अबे ओ चाय के प्यासे ऐसे उठाएगा? इससे घटिया तरीका नहीं मिला तुम्हें? ऑपरेशन ही कर लेता उसकी तरह, और ऑपरेशन नहीं भी हो रहा था तो कम से कम एक इंजेक्शन तो ठोक देता। पर नहीं, पूरा आलस पूरा आराम चाहिए। पर गोपी तो उठेगी। मिस्टर मोदी, इट्स अ मिरेकल, शी इज बैक। कोई सिस्टम है तुम्हारा? शी इज बैक, कभी भी मर रहा है कोई, कभी भी उठ रहा है। एक बार के लिए तो ओगी भी डर जाएगा। बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा मैं। अब इस शो को नेक्स्ट वीडियो में लपेटेंगे। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी एम मैं इस बार रख नहीं रहा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने 60 का एम कहा था, तुमने कर दिया तो मैं खुश हूँ। छुट्टी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।